आवाहन करें परात्पराजन्य की सम्मिलित दिव्य चेतना का, वह उत्तरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक 1 कैंटो 4 द सीक्रेट नॉलेज 54वें पृष्ठ की 21वीं पंक्ति पर 41वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को हम प्रकट होने पर ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके, तदनुरूप साधना के ध्रुव पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके, इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, अटेंटिव टू एन अनसीन ट्रूथ दे सीज ए साउंड एज ऑफ इनविजिबल ऑग्यूर विंग्स, वॉइसेस ऑफ एन अनप्लम्ब The significance, mutterings that brood in the core of matter sleep in the heart's profound audition. They can catch the murmurs lost by life's uncaring ear. A prophet speech in thought's omniscient trance. पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सृष्टि सृजन कार्य हेतु नियुक्त ये स्तुत्य देव वृंद सदैव व्यक्त जगत के सतही घटित होने वाली क्रियाकलापों के पीछे छिपे अदृश्य सत्य केंद्र पर अपना ध्यान सदैव केंद्रित किए रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि पर्दे के पीछे छिपे सत्य द्वारा संचालित होकर ही समस्त सतही क्रियाकलाप घटित होकर परिणाम लाने वाले होते हैं। सत्य प्रेरित संचालित होकर अभिव्यक्तिकरण की ओर उभरने वाले इन अदृश्य भविष्य के लिए स्पंदित शुभ अशुभ संकेतों की भावी की थोड़ी सी भी उदित हुई पंख फड़फड़ान को ये देवरंद पकड़ लेते हैं। इसके लिए वे सतत अपने कान जड़ सुषुप्ति के भीतर हृदय स्थल की ध्यान निमज्जित सत्य चेतना पर केंद्रित किए रहकर महाप्रकृति के सतत विकासोन्मुख चेतना ऊर्ध्वारोहण से अभिव्यक्तिकरण प्रक्रिया कलापों के अति चिंतनीय गहन गंभीर महान गुंजारों को अपने सूक्ष्माति सूक्ष्म श्रवणेन्द्रिय बोध के सत्य ज्ञान से उदित होने वाली साधारण सी बुदबुदाहट को भी झट से झपट कर ये देववृंद पकड़ लेते हैं। जड़ पदार्थ केंद्र अथवा हृदयों से उदित होने वाली विकासोन्मुख प्रक्रिया से अभिव्यक्तिकरण की ओर बढ़ चलने के मंद स्पंदन वाले अत्यंत महत्वपूर्ण अर्थ वाले स्वरों को सामान्य बाह्य सतही जीवन के शोर शराबे में बाह्य इंद्रियां इन उदित होती अंत की
मंद ध्वनियों को सुन पाने में सर्वथा असमर्थ होती हैं। ये हमारी श्रवणेन्द्रियां बाह्य जीवन आपाघापी के व्यस्ततम संलग्नता के कारण भीतर से उदित हुई मृदु अभिव्यक्तिकरण गुंजारों के प्रति बहरी बन गई है। ऐसी जड़ से उदित विकासोन्मुख अभिव्यक्तिकरण के स्पंदन की भीतर अंतर से उदित अंतरात्म पुरुष अथवा चैत्यों की गुंजारों को भी ये देवता वस्तु वस्तु के गहराई वाले अंतर में सहजता से उतरकर एक दिव्य ऋषि दृष्टि समान अपनी अंतर श्रुति में सहज भाव से सुन और गुन सकते हैं और विचार की दिव्य सर्वज्ञा समाधि अर्थात विश्व मन प्रवाह से रहित विचार वाला व्यष्टि मानव मन जिनमें सर्वज्ञ परमात्मा का दिव्य ज्ञान तथा उदित हो रही एक दिव्य दृष्टा वाणी को ये देववृंद पकड़ सकते हैं। ऊपर परात्पर लोक से संप्रेषित सृजित सृष्टि में आवश्यक क्रियाकलाप की ऊर्जा एवं नित नवीन अभिव्यक्तिकरण के दिव्य योजना का तथा नीचे व्यक्त जगत की वस्तु वस्तु केंद्र से उदित विकासोन्मुख अभिव्यक्तिकरण गुंजारों की सतत बहती मांग की धारा से पूर्णतः परिचित समस्त चैत्य अथवा चैत्य पुरुष अभिव्यक्तिकरण एवं ऊर्ध्वारोहण प्रक्रिया में सक्रिय बनकर सब कुछ का क्रियान्वयन करने हेतु दिव्य शाश्वत उदित गुंजारों को ग्रहण करते हुए दिशा दर्शन प्राप्त करते हुए दिव्य शाश्वत मध्यस्थता करते रहते हैं। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरी तुई परात्पर एवं परात्पर आजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं ताकि जब जब साधना के ध्रुव पद पर हमें इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुव पद पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही
ओ